ये देखो दोनों लड़कियों को यहाँ नाच रही है, अरे अंकल बजा रहे हैं। हेलो एवरीवन एंड सत श्री अकाल जी सारे, तुहाडा वेलकम है साडे चैनल दे अंदर। अज हैगा जी डे 3। असी कल रात नूं जयपुर आ गए सी, जिदा कि तुसी लास्ट वीडियो देखिया, ते अज आपां सिटी टूर करांगे। असी एक गाइड बुक कर लिया, इनोवा कैब कीती है, असी 6 जने हैगे आ। ते ओ कैब वाला भाई सानूं सारा घुमाएगा, ते तुहानूं नाल नाल आपां सब कुछ दिखावांगे। मनिंदर इधर हो रही है रेडी। हाँ भाई, किन्ना टाइम? 10 मिनट। हैलो तो कर दो सारे नूं, सत श्री अकाल जी सारे नूं। हुण तुहानूं असी इक होर बंदे नाल मिलवाने आ। हेलो गाइस, हाउ आर यू? हां जी रेडी? हां ऑलमोस्ट। हमेशा टाइम लांदी आ तैयार होण ते। हां जी गाइस, ते मैं रेडी हो गया सीगा, तुसीं चेक कर सकदे हो अज दी आउटफिट। हां जी गाइस, ते आपां रेडी हो गए सी, ते हुण आपां चलने आ नीचे ब्रेकफास्ट करन, ते उस तों बाद फिर आपां सिटी टूर करांगे जयपुर। असीं वी आ गए, मैं जी विशाल 33 दी मां। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੁਸਨ ਨੇ ਅੱਜ, ਹੈਨਾ? ਸਾਰੇ ਚੱਕਮੇ ਅੱਜ। ਡੇ ਸਪਾ ਦਾ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 20% ਆਫ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕਿਆ ਯਾਰ, ਮਥਾ ਟਿੱਕੋ। ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਪਾਇਆ ਕਿ मैंगो जूस। क्या आपका नंबर लग पाएगा? हाँ। लग पाएगा? हाँ। तो विशाल भी एक प्लेट दे दो। हाँ जी। पादे खीरे, पादे खीरे। भैया हमारे लिए बना सकते हैं चाय? हाँ जी, चाय बना दो। हाँ भैया बनाते हैं, कॉफी पी। हाँ सनखे वीरे, कितने गिर के हैं? इतना इतना फोर्चन करा रहे। हाँ जी गाइस, आप ब्रेकफास्ट डन कर लिया सीगा, ते हुण आप चले हाँ सिटी टूर दे। बार कैब आ गई सी अगे, हुण चल रहा है गया एयरपोर्ट, फिर उसके बाद सिटी पैलेस और फिर हवा महल। सो हमने यहाँ लोकल गाइड हायर किया है, सो मोहित आ रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर। यार कैब एर ते आपां अज घूमांगे, और भैया उत्थे असीं सारे रेडी हाँ जी, पर मोहित अजे तक आया नहीं, उहदी वेट चल रही है। हाँ जी गाइस, तो हुण आपां तुहानूं मिलवाने भैया नाल। भैया का नाम, भैया अपना नाम दस्सो। शाहिद मुहम्मद। ਤੇ ਭਈਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ? ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਈਟ ਸੀਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੈਪੁਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫੋਰਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾਰਗੜ ਫੋਰਟ, ਫਿਰ ਆਏਂਗੇ ਸਿਟੀ, ਸਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਹਵਾ ਮਹਿਲ ਐਂਡ ਜਲ ਮਹਿਲ। ਤੇ ਭਈਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਭਈਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਈ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਈਆ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਭਈਆ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਾਡੇ ਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਾ? ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਸਮਾਨ ਸੇਮ ਹੋਗਾ, ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਗਾ। ਹਾਂ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਮੇਰ ਮੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਨਾ, ਸਭ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸੇ ਦੀ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਰਹਤੇ ਦੇ ਨਾ ਤੋ ਸੇਨਾ ਹੈ ਯਹੀਂ ਪੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਤੀ ਥੀ। बार बार दूर से कोई दिख जाता था ना हमला करने वाला, तो पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। पुरानी है, सारी पुरानी है, एक भी नया नहीं, सब पुराना है। इन्होंने कुछ नहीं छेड़ा है, कुछ नहीं छेड़ा, बस खाली मेंटेनेंस किया है। मैं ऊपर जाने में टाइम लगेगा, ऊपर अपन पीछे गांव में से रास्ते में से जाएंगे, गांव के रास्ते से, क्योंकि कार उधर से जाएगी, सामने से जाएगी, या तो पैदल जाओ जैसे वो जा रहे हैं, या फिर कैमल से जाओ, कैमल की सफारी बंद हो गई अभी। पहले तो आप लोगों का सबका वेलकम है, स्वागत है। ये आमेर फोर्ट है, आमेर गांव है। मेरा नाम महेश कुमार है, और ये जो गांव है इसका नाम भी आमेर है, और इस फोर्ट का नाम भी आमेर है।
1000 साल पुराना ये गांव है और किला है वो 500 वर्ष पुराना है। यहाँ के जितने भी राजा महाराजा रहे सब राजपूत रहे हैं और पहले जो राजा थे उनका नाम था कोकिल देव और आज भी राजाओं का वंश पीढ़ी चली आ रही है। अभी यहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो राजा है उनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह, 22 ईयर्स ओल्ड है, 22 वर्ष के, जयपुर में रहते हैं, सिटी पैलेस जो उनका पर्सनल प्राइवेट है। लेकिन ये जयगढ़ फोर्ट है ये भी राजा के अंडर है। हाँ, चारों तरफ अरावली हिल्स है सर और इसी के ऊपर एक बाउंड्री वॉल एक दीवार बना हुआ है जो 2 किलोमीटर के अंदर है। हाँ जी गाइस, ते हुण शुरू हो गए हैं असीं, हुण आपां देखदे आ आपां दे नाल गाइड आ जो आपां नूं हिस्ट्री दस रहे इत्थों दी की हिस्ट्री है। एंड मैनूं हुणे हुणे पता चलिया कि जिहड़ी जोधा सीगी ओह वी इत्थों दी रहिण वाली सीगी। वेलकम टू अमेर फोर्ट। फोन कितने जाना है? यहाँ टिकट लेनी है ना। हाँ जी, तो हम आप लाइन चले हैं टिकट। आ जाओ। ऐसे भी कितना टाइम लगता है वैसे टोटल? सर देखो, देखने में 1 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम है। साढ़े ना बंदा थोड़ा बिगड़ गया है। तो सी मोहित की वजह से आज मेरा पेट खराब हो गया। मेंबर है जी, दो आ रहे हैं पीछे। तो मेन एंट्री इसकी यही है। मेन एंट्री यही है। अरावली पर्वत पहाड़ी दिखाई दे रही है और पूरा पहाड़ दिखाई दे रही है सारा दिख रहा है। किधर आ रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा ना। We are here at the Amer Fort right now. हम अमेर फोर्ट आ चुके हैं। का पेंटिंग है, 400 वर्ष पुराने कलर है। राजा रानी के जो ड्रेसेस बनती थी वो वेजिटेबल कलर होती थी, नेचुरल कलर। हाँ जी गाइस, ते इस टाइम असी हैगे आ 27 कचहरियां दे ते इस टाइम इत्थे कचहरी लगदी नहीं 27 बंदे दी। पुछाया सी 27 मेंबर दी कचहरी सी इत्थे। हां जी, तो वो उनके ऑफिसर बैठते थे यहां रिकॉर्ड करते थे और राजा के जजमेंट। ठीक है, इसलिए वो 27 लोग आए इधर पे। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ 27 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜੱਜ ਜੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਗਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਦਾ ਸ਼ੂਟ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਲਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਟੂਰਿਸਟ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ये टैंक है सर गर्म पानी का, ये राउंड राउंड शेप में बना हुआ है, ये भट्टी टाइप बना हुआ है। सामने जाली है, इसके पीछे से नीचे आग जलाते थे। कॉपर का तांबे का प्लेट रखा हुआ है, लाइम स्टोन का ग्लास है। जब पानी गर्म होता है पूरे फोर्ट में किले में 99 बने हुए। 99 सर उसका रीजन है, मैंने पता चल रहा है, सवाल पूछा उन्होंने तभी कह दिया। क्या इसका भी रीजन है? राजाओं के जो लकी नंबर हुआ करते थे वो 3 हुआ करते थे, 3 से डिवाइड हो जाए। ओके ओके ओके, राइट। 9 किलोमीटर। हाँ जी गाइस, वी आर राइट नाउ एट शीश महल दीवाने खास, तो तुम दिखाने आए सी। अलग अलग तारे यानी स्टार के रूप में दिखा पाओ सर। देखो ऊपर वो, देखो साइड में देख लियो दोस्तों, यहाँ पर है अमेर में है शीश महल, ये पूरा ग्लास से बना हुआ है और यहाँ पर जब दिए जलते थे तो ये पूरा रिफ्लेक्शन आता था इन ग्लासेस में। ज़्यादा
और अंदर भी इन्होंने नवरत्न लगे हुए हैं ना, अंदर अंदर भी थोड़ा दिखावांगे, अंदर भी जो नवरत्न लगे हुए हैं बहुत महंगे हैं, कॉस्टली बेल्जियम से इसके ग्लासेस आए हैं। हां, और ये पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है, मतलब ये पूरा हैंडमेड है टोटली, 24 इयर्स लगे थे इसको बनाने में। ये क्या जगह है? ये पूजा स्थान है, राजा लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो ठाकुर जी बोलते हैं कृष्ण को। देख लिया, फाइव कलर ये टेलीस्कोप का टिकट, ये जैगर फोर्ट देखने के लिए, ये देखिए ऊपर जैगर फोर्ट है और ये रहा टेलीस्कोप। अभी हम जा रहे हैं रसोई देखने, अंकल हमें लेकर जा रहे हैं। माइंडेड थे तो वो चाहते थे कि मेरा फैमिली सबसे बड़ा हो, स्ट्रांग हो, तो उनके 27 रानियां थी। अच्छा, देखिए नंबर का जो फिगर है बस वो कंप्लीट करना था, तो उनकी 12th नंबर की जो रानी थी वो उदयपुर की रहने वाली, बहुत सुंदर थी वो। तो राजा ने कहा कि हम इससे शादी करेंगे, राजकुमारी ने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे। तो ये राजा ने उनके राजा यानी जो वहाँ के राजा थे उन पर फोर्स किया, दबाव डाला कि आपको शादी तो करनी ही पड़ेगी आपकी लड़की की। हाँ जी, और फिर इस डर से वो जो बड़ा भाई था उसने सुसाइड कर लिया था, पॉइजन का यानी सांप से अपने आपको कटवा लिया। ओके ओके, ये कोरोना की वजह से सब कुछ खत्म हो गया है। 18 नवंबर जयपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पर 7 दिन तक घूमर कथक इनका डांस प्रोग्राम इसी स्थान। तो ये देखो हमारी इंडिया की हालत, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख दिया, नीचे लिखा हनुमान बना। एक और सिक्योरिटी पॉइंट है, वॉइस टावर है, ये मानसी महल है, यहाँ रानियाँ रहा करती थी। अच्छा, ये मानसी महल? हाँ जी, इसी में रानियाँ रहा करती मानसी। दोस्तों अभी हम हैं मानसी महल में, यहाँ से संदेश भेजा जाता था जैगर फोर्ट में आगे कि रानी आ रही है, जो भी सीन होता था वो अलग होते हैं। जैसे क्या है, देखो इतिहास में नाम तो सर अधिकतर जो होता है राजाओं का, रॉयल फैमिली का होता है। हाँ। जो बनाने वाले होते हैं उसका बहुत ही कम होता है। हाँ। वो तो राजा को ज्यादा इम्प्रेस हो जाए, प्रभावित हो जाए, तब उसका नाम ओपन करते हैं, भाई इसने बनाया इसके नाम से रखे। इसके अलावा किसी भी जेंट्स को यहाँ अलाउ नहीं था, ये दासी को आने जाने का रास्ता है। रानियाँ थी 12 रानी के लिए 12 कमरे बने हैं। राजा रानी की प्राइवेट लाइफ हुआ करती थी, तो उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर राजा रानी किसी दासी को बुलाएगा तभी ही अंदर वो आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ये रूम थे, अंदर है रूम, पूरा पैलेस बना हुआ है, 12 रानी के लिए 12 कमरे बने। तीन है लेफ्ट में भी 3 है और जहाँ खड़े इस लाइन में 3 है, 12 रानियाँ 12 कमरे। हाँ, तो दोस्तों ये है रानियों के कमरे, गर्मी में रानियाँ यहाँ रहती थी ऊपर, ताकि वेंटिलेशन रहे, गर्म हवा ना लगे। ऊपर बस वैसी आती थी, मतलब घूमने के लिए, बैठने के लिए, चिल आउट के लिए आती थी रानी। चिल आउट, और मेन गल हो रहा है कि राजे के अलावा इतने होर कोई अलाउड नहीं, अलाउड नहीं था, सिर्फ राजा मान सिंह जी इतने आते थे, होर कोई नहीं आता था ना। यस, यहां पर है पौड़ियां, बहुत ही स्टीप पौड़ियां हैं यहां पर, यहां से किसी को गोड़े छिलवाने हो, कुछ करवाना हो, यहां पर आओ और गिरो सीधी गोड़े पे तोड़ लगे। यार रानियों को गिरने की प्लानिंग थी, पैंट फटे ना।
बर्थडे पे चोट लग गई। बड़े छोटे छोटे से पैर रखे हैं मैंने। हाँ, अरे बड़ी मैं कहूँ यार 12 इंच की होगी ये पौड़ी। एक ये राजा ने जानबूझ के बनवाई थी, फिर कोई भी ज्यादा तंग करो हमारा नंबर 12th नंबर वाली का जो सेक्शन बता है बंद कर रखे अंदर से। हाँ, रूम तो इनके अलावा ओपन ये बड़ी रानी है, राजा की पहली शादी राजपूत। सर मैं वही बता रहा हूँ, लोग इसी का रूम कमरों का टॉयलेट का भी यूज करते हैं यहाँ पर। मास्क लगा लो। तो पहली रानी पटरानी कहलाती है, राजपूत फैमिली से होती है, बाकी तो पसंद करके लड़ाई में जाकर जीत कर होता है। दोस्तों ये मास्टर बेडरूम ऑफ रानी, पहले नंबर वाली रानी का मास्टर बेडरूम। गाइस ये है मास्टर बेडरूम, दरवाजा खोलिए, खोल देगा दोबारा देखना कितनी मोटा है। देखिए पहली रानी में सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, सिंगार मिलती है, मान सम्मान इज्जत मिलती है, एक तो पूरे ऑर्नामेंट्स यानी पूरे ज्वेलरी जैसा चाहे वह वैसे रह सके, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती राजा को। लेकिन बाकी रानी पर बड़ी पाबंदियाँ होती हैं और इनकी फैसिलिटी में जैसे आज आप कहते हैं ना हमारा घर है, हमारा फ्लैट है, हमारा रूम है अटैच टॉयलेट वाला, ये उनका अटैच टॉयलेट होता है सर। ओके, तो आपने देखा था ना वैसा, बाकी सब रानी के लिए कॉमन होता है। ये उनका किचन है, रसोई घर है। रानी का जो राजा का जो खाना बनता है वो बड़ी रानी की देख रेख में बनता है, राजा उस पर भरोसा करता है, क्योंकि बाकी रानी को तो लड़ाई में जंग पर जीत कर लेकर आते हैं, राजा उस पर भरोसा नहीं कर पाते, इसलिए बड़ी रानी की देख रेख में राजा का खाना बनता है और राजा उसी को खाता है डायरेक्ट। अगर और कोई रानी खाना बनाएगी तो पहले उसको टेस्ट करना पड़ेगा। उसको खाने के लिए बाथटब है, कुंड है, ये बड़ी रानी के लिए भी, लेकिन यहाँ ठंडा गर्म का कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि इस समय ऐसी टेक्निक नहीं आई थी, ये सामान्य बारिश का बरसात का पानी होता है। बस हम आप एग्जिट करने लग गए जी इधर उधर। ये तो सर और रेलिंग थी पहले, लकड़ी का था ना जो भी। So guys, ये पूरा रानियों का कैंपस है, यहाँ पर रानियाँ रहती थी, 12 रानियों का घर था यहाँ पर, उनके कमरे नहाने का रसोई वगैरह एंड ऑल। साहेदा राजा विशाल सिंह साहब, मैं रखूंगा मेरा क्या नंबर होगा, लकी नंबर होता होगा मेरा, तेरा लकी नंबर रखता मैं 78 78 33 तेरा लकी नंबर, रानियां रखूंगा मैं के विशाल 33 मान 32 फिर 32। हेलो गाइस, फोटो शूट करवा लो, ये हमारे जो विशाल 33 मान जो है ये अच्छे उच्च लेवल के फोटोग्राफर है, ये स्पेशल हम साहे से इनको बुला के लेके आए हैं। राजा ऑफ साहा मेरा इधर मिलो, माई वाइफ। बीनी कह रहा मैं ये लूंगा नाइट सूट है, और ये रहेगा बाथरूम लेगा ये टाइगर प्रिंट में। ऊंट वाला ताला अलग है, कौन है ना प्रिंसेस। तो गाइस मार्केट है गया मीना बाजार, अंदर एक बना रखा है इन्होंने, मैग्नेट है सारे, बैजेस भी हैं इनकी फैमिली वाली है। ये है भी राजा सवाई पद्मनाभ सिंह, ये छोटे वाले छोटा भाई है इनके। हाँ जी, ये इस टाइम का राजा है ये वाला, अभी सिटी प्लेस में है ना। देखो साहब ये है सुरंग टनल, ये मेन सुरंग है, यही जयगढ़ फोर्ट के अंदर जाती है। शाम अच्छा को खाना बनाते वो है ये केवल पिक्चर की शूटिंग के लिए बनाया गया था, ओरिजिनल नहीं है। ज्वेलरी बॉक्स में पेंटिंग लेना है, ज्वेलरी बॉक्स कैदियों को रखने के लिए लाइन से 3 जेल बना हुआ है, ये जेल है जेल 1 जेल 2 अब क्या है लाइन तो
हाँ जी गाइस तो अपना अमेर फोर्ट देख लिया सारा ये नैक्सट आप देखने चले हाँ कि फोर्ट है नाहरगढ़ नैक्सट फोर्ट है नाहरगढ़ नाहरगढ़ दिखावे की है कितना कितना ये देखो दोनों लड़कियों को यहाँ नाच रही है ये बिना पिए चढ़ी हुई है इनको अरे अंकल बजा रहे हैं सब बराबर बन रहा है सब बराबर बन रहा है ये तो वेरिएशन नहीं बना रहा लो मैम हाँ जी गाइस असि हुण लंच करने रुके सी रोया दा जवाड़ा देख रहे हैं कैसा रहिंदा